हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 5th ऑफ अगस्त 2021, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट ट्रेडिंग वीक पे मार्केट के ऊपर ओपन हुआ था और धमाकेदार रेस्पॉन्स मिला था ग्लेनमार्क लाइफ साइंस IPO, जो कि कल 6th ऑफ अगस्त इसका लिस्टिंग डे है। तो आपका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, तो इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। क्या आपके अलॉटमेंट मिला तो शेयर को होल्ड करें या सेल करके निकल जाए या फ्रेश पोजीशन बनाएं, तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग वीक पे 27th ऑफ जुलाई से लेके 29th ऑफ जुलाई रोलेक्स रिंग IPO के साथ साथ मार्केट के ऊपर ओपन हुआ था ग्लेनमार्क लाइफ साइंस IPO, और IPO करीबन 44 गुना के ऊपर धमाकेदार रेस्पॉन्स भी मिला था। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा IPO लेके आया था, लगभग 1500 करोड़ के ऊपर। तो फिलहाल दोस्तों, IPO का तो अलॉटमेंट रिजल्ट वगैरह सब कुछ आउट हो गया, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ 1-2 दिन पहले। तो कल 6th ऑफ अगस्त 2021 कल ये IPO मार्केट के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आपका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या हो सकता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो आपका क्या स्ट्रेटजी होगा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला या तो आप ये जब IPO मार्केट के ऊपर का लिस्ट होगा आप शेयर को खरीदना चाहते हैं तो आपका क्या रणनीति हो सकता है, दोनों पार्ट में यहाँ पे मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा। बट उसके भी पहले आप लोगों का कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेरीज आ रहा है कमेंट पे कि सर आप बताइए कि IPO में तो अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं मिला मुझे, बट पैसा अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला। तो उनके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने IPO में अप्लाई किया और उनको पैसा वहीं पे वहीं फंसा रह गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि अभी देख सकते हो कि मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा IPO एक्टिव है, तो उसके कारण थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी। अदरवाइज़ कल तक मतलब लिस्टिंग डे तक आ जाना चाहिए। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्टली बैंक पे जाके बात कर सकते हो, वहाँ पे जाने से साथ साथ ही वहाँ से दोस्तों रिलीज़ कर देगा आपका जो अनब्लॉक्ड पैसा है वो फिर से अनब्लॉक्ड हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन लोगों को कल मतलब IPO में अलॉटमेंट मिला है उनका क्या स्ट्रेटजी होगा कल की डेट पे। तो उसके पहले मैं आपको लेटेस्ट GMP दिखाना चाहूँगा, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस IPO का ये अपडेट है आज की डेट पे, देख सकते हो 12:12 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 88 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम। सीधी सी बात है, IPO में इशू प्राइस रखा गया है 720 का, जिसके ऊपर प्रीमियम चल रहा है 88 रुपीज़ का, यानी परसेंटेज वाइज दोस्तों आप अगर कैलकुलेट करोगे ऑलमोस्ट 12% के आसपास एक मिनिमम प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है ग्रे मार्केट पे, राइट। तो इसी प्रीमियम के साथ मतलब जो यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, इसी प्रीमियम के साथ अगर कल मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ तो अप्रॉक्सीमेटली जो हिसाब के अनुसार 808 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है, मतलब जो कैलकुलेशन करके यहाँ पे नंबर्स आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल ग्लेनमार्क IPO लगभग 850 रुपये के आसपास लिस्ट होने का चांस है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है ग्लेनमार्क IPO कल कितने प्राइस पे मार्केट के ऊपर लिस्ट होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी यहाँ पे तो हमने देख लिया ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो यहाँ पे आप गलती से सेल मत करना, क्योंकि देखिए 12% 13% आपको रिटर्न मिलेगा तो ये तो कुछ ठीक ठाक नहीं है। बट अगर आप देखा जाए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, मैं बहुत पहले आपको बताया था, आपको याद होगा जब ये IPO ओपन भी नहीं हुआ था, कि अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तब आप ज़रूर अप्लाई कीजिए इस IPO में। तो देखिए इसका लॉन्ग टर्म का जो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सॉलिड है। चाहे अगर हम बात करें प्रॉफिट का, तो देखिए प्रॉफिट हमें हर फाइनेंशियल ईयर पे हमें ग्रोथ नज़र आ रहा है। चाहे हम यहाँ पे बात करें सेल्स का मतलब टोटल इनकम का, तो भी आप देख सकते हो हर फाइनेंशियल ईयर पे आपको सीधा सीधा ग्रोथ नज़र आ रहा है, और कंपनी का जो मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा मार्जिन रखता है।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि कंपनी API के ऊपर काम करता है। API के ऊपर दोस्तों बहुत कम कंपनी आपको मिलेगा। बेसिक यहाँ पे फार्मा सेक्टर का बहुत स्टॉक तो मार्केट के ऊपर ऑलरेडी लिस्ट है, बट बेसिकली API के ऊपर काम करता है। मतलब जो कि कोई भी मेडिसिन का जो ड्रग्स होता है या इंटरनल जो कॉम्पोनेंट होता है वो सब चीज़ कंपनी बनाता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक सेक्टर, और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं दोस्तों, अब देख सकते हो इंडिया के बाहर भी कंपनी का अच्छा खासा मार्केट कैप्चर है। कहाँ कहाँ पे? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान जैसे बड़े बड़े देश कॉन्टिनेंट के अंदर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस केस में मैं आपको बोलूँगा कल अगर आपको होल्ड करना है तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर सेल करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेल करना ही है तो कल मत करना, थोड़ा सा वेट कर जाइए, शेयर को फैला थोड़ा सा दौड़ने दीजिए। 1000 के आसपास जब पहुंचेगा तब आप वहां पे चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। शब्द के ऊपर ध्यान देना, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मतलब आपके पास जितने भी शेयर हैं, जैसे कि यहां पे आपको अगर एक लॉट यहाँ पर अलॉटमेंट मिला तो आपके पास 20 क्वान्टिटी का शेयर होगा, राइट। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मतलब पूरा का पूरा ना, लगभग समझ लीजिए कि 4 या 6 शेयर आप सेल कर देना जब ये शेयर प्राइस 1000 या 1500 के आसपास जाएगा, उस केस में, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा है तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। तो ये तो हो गया आप जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला उनका यहाँ पे स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा जिनको कल खरीदना है, मतलब फ्रेश पोजीशन बनाना है, तो उनका क्या स्ट्रैटेजी होगा। तो उनके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले ये देखिए एकदम नया फ्रेश IPO है, और आज की डेट पे जितने भी IPO आ रहा है मैंने देख रहा हूँ कि सारे IPO का जो शेयर है वो काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे आ रहा है। तो आप पहले 1-2 दिन वेट कर लीजिए, इसका वैल्यूएशन चेक कर लीजिए। एक बार मुझे सारे डेटा मिल जाएगा तो मैं ही खुद इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना दूंगा कल। मतलब जो स्टॉक लिस्ट होगा, स्टॉक होने के बाद इसका पी वैल्यूएशन क्या है, पी वी वैल्यूएशन क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या है, ROC क्या है, कितना है ROE, कितना है रिटर्न ऑन इक्विटी, सब कुछ के ऊपर एकदम बना दूंगा। आप उसके ऊपर बेस करके अगर आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सस्ता है या नॉर्मल चल रहा है या न्यूट्रल पे चल रहा है तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो। क्योंकि मार्केट में दोस्तों ये पर्टिकुलर सेक्टर में और भी 1-2 कंपनी अच्छा कंपनी मार्केट के ऊपर लिस्ट है, तो जिस कारण ये स्ट्रेटेजी आपका सटीक रहे कि कल फटाफट मार्केट से शेयर को मत उठाना। थोड़ा सा पेशेंसली होल्ड कीजिए, 1-2 दिन होल्ड कीजिए, पहले वैल्यूएशन चेक कीजिए, उसके बाद ही शेयर के अंदर खरीदारी करना। ये आपका सटीक रणनीति हो सकता है जिन लोगों ने कल फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है। और अदरवाइज जो जिनको अलॉटमेंट मिला उनको तो मैं बोला हूँ कि कंपनी आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। जल्दबाजी में शेयर को बेचना मत, क्योंकि डिटेल इन्वेस्टर यही गलती करता है कि कोई भी शेयर हो जाए, कितने भी अच्छे हो जाए, कितने भी खराब हो जाए, जल्दबाजी में या तो बेच देता है या पूरा का पूरा बेच देता है या तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता है। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर, कंपनी का मार्केट कैप्चर के ऊपर। अगर कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल बहुत सॉलिड है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपको बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आपको सेल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे मुझे दोस्तों जितना भी अपडेट मिलेगा मैं आपको फटाफट वीडियो के थ्रू शेयर करता रहूँगा। ये वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर एनकरेज करना, एंड वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।